चाहिए आधी चाय के चमचे चीनी जो कि मैं एक कप पानी के अंदर इसको मिक्स करूंगी। आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चीनी डाल दी है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से डिसॉल्व करने के बाद आपने आधी चाय के चमचे नमक को मैदे के अंदर शामिल करना है। दो कप मैदा है, एक चाय की चमची आपने ईस्ट लेनी है और उसको पानी के अंदर शामिल कर देना है। ईस्ट को आपने कम से कम 10 मिनट देने हैं ताकि वो अच्छी तरह से राइज हो जाए। उसके बाद इसको हम मैदे के अंदर शामिल करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल है जो कि मैं मैदे के अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे जो आपकी क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। एक अंडा शामिल करेंगे ताकि जो हमारी डो है वो मज़ीद सॉफ्ट बन सके। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद इसके अंदर ईस्ट शामिल करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास ईस्ट का जो मिक्सर है वो राइज हो चुका है। अब इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मैं स्पैचुला के साथ मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो आप हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अंडे के साथ डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होती है। मैंने जो आपको पहले डो बनाना सिखाई थी उसमें मैंने अंडा इस्तेमाल नहीं किया था, पर अगर आप ये डो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये डो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो इस रेसिपी को भी ट्राई करना मत भूलिएगा। ये देखें मेरी जो डो है वो कितनी ज़्यादा नरम है, आपकी भी इतनी ही ज़्यादा नरम डो होनी चाहिए। और उसके बाद आपने क्लीन फॉइल के साथ इसको रैप करके किसी गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख देना है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है जिसके मैंने छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर 3 खाने के चम्मच लेमन का जूस डालूंगी, ये देखें इस तरह। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच विनेगर शामिल करूंगी। आप चाहें तो आप विनेगर ना भी डालें क्योंकि आपने लेमन जूस डाल दिया है। अब ये देखें इसके अंदर स्पाइसेस को शामिल करने जा रही हूँ। 1 खाने का चम्मच डालेंगे टिक्का पाउडर, 1 चाय का चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 चाय का चम्मच डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, आप ज़ीरा को कम भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मीट टेंडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल कर रही क्योंकि मैंने इसके अंदर लेमन जूस और विनेगर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पिंच के करीब आपने रेड पाउडर डालना है कलर के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। रेड पाउडर इसके अंदर इसलिए शामिल किया है ताकि थोड़ा सा टिक्के का कलर आ सके। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे का। चलें जी, ये देखिए मेरी जो डो है वो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। अब इसका क्लीन फॉइल उतारेंगे और इसके अंदर से सारी एयर निकालेंगे। ये देखें इस तरह आपने मैदे को डस्ट करना है शेल्फ़ पर, उसके बाद आपने सारी डो डालकर इसको अच्छी तरह से गूंदना है। और ये देखें मेरी डो थोड़ी सी स्टिकी हो रही है जिसकी वजह से मैं अच्छी तरह से मैदा डालकर इसको गूंद रही हूँ ताकि इसकी जो स्टिकनेस है वो ख़त्म हो जाए और डो जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। आजकल मौसम भी गर्म है जिस वजह से
डो थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है। आप इस डो से पिज़्ज़ा भी तैयार कर सकते हैं। मैं इस डो से पिज़्ज़ा पाई तैयार कर रही हूँ। अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये रेसिपी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी इस रेसिपी को डबल किया है ताकि मैं इसकी मज़ीद डेकोरेशन कर सकूँ। अगर आप डेकोरेशन नहीं करना चाहते तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अभी देखें, डो को मैं बिल्कुल हाफ़ कर रही हूँ, और हाफ़ इस तरह से कर रही हूँ कि एक साइड इसकी ज़्यादा है और एक साइड इसकी कम है। यानी कि आप ये देखें, एक जो पार्ट है वो 3/4 है और एक जो है 1/4 है। अब इसको अच्छी तरह से पेरे को बंद कर लेंगे। अब ये देखें, जो 1/4 पार्ट था डो का, वो मैं इस तरह से बॉल के अंदर डालकर साइड पर रख दूँगी और इसको कवर करके रखूँगी ताकि ये मज़ीद थोड़ी सी राइज हो सके। और ये देखें, जो बाकी की डो है उसको मैं अब बेल कर पैन में लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। आप चाहें तो हाथों के साथ भी इस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा आपने डस्ट करना है, ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना। उसके बाद हम इसको बेलेंगे, बेलन के साथ थोड़ा सा बेलेंगे, ज़्यादा इसको बेलना नहीं है। इसको फोल्ड करेंगे, ये बहुत इजी वे है फोल्ड करने का। और ये देखें, पाई पैन में इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये डो को उठाकर आपने इसके ऊपर रखना है और बहुत इजी वे से इसको ऐसे करके ओपन कर देना है। और ये देखें, आपने इसको खींच के थोड़ा सा सेट करना है ताकि एजेस तक अच्छी तरह से कवर हो जाए। एजेस कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पाए पिज़्ज़ा तैयार करने लगे हैं। इसको सेट करते जाएंगे, फोक के साथ अच्छी तरह से होल्ड करेंगे। ये देखें, फोक के साथ मैं होल्ड कर रही हूँ ताकि जो एयर है वो इसके अंदर से निकल जाए। और ये देखिए, मेरी डो भी कितनी अच्छी तरह से राइज हो चुकी हुई थी। आपने डो को राइज होने का टाइम देना है। ये देखें, पिज़्ज़ा सॉस मैं डाल रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको दूंगी। उसके बाद आपने अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर डालनी है चीज़। ये देखें, मोज़रेला चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। चिकन डाला है, क्यूब्स में कटा हुआ प्याज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। प्याज डालने के बाद दोबारा से चीज़ डाल दी है। उसके बाद क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ, स्वीट कॉर्न्स, इसके बाद मशरूम्स, इसके बाद मैं इसके अंदर सॉसेजेस डाल रही हूँ। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर देंगे। दोबारा से मैं चीज़ डाल रही हूँ, मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद आप इसके ऊपर दोबारा से टॉपिंग कर सकते हैं, चिकन की, सॉसेजेस की। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। और ये देखें, कितना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा पाई की टॉपिंग हो चुकी है। ये देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, जो बाकी की 1/4 डो थी वो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। और ये देखें, एयर निकालने के बाद इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और ये देखें, मेरी जो डो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है और स्टिकी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी जो डो है वो अगर इस तरह से हो तो डो ख़राब नहीं होती। आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, उसके बाद इसको सेट करें। जो इसकी स्टिकनेस है वो आपने ख़त्म करनी है। ये देखें, पेड़े को बंद कर आपने इसको बेलना है। लंबाई में बेलेंगे इसको और हल्के हाथों के साथ मैदे को डस्ट करते जाएंगे और इसको आपने बेलना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपकी कोई मज़ेदार रेसिपी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखें, बेल लिया हमने लंबाई में, अब इसको थोड़ा सा और बेल लेते हैं। ये देखें, साइडों से भी इसको मैंने बेल लिया है। ये देखें, अगर आप गोल बेलना चाहें तो आप गोल भी बेल सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, कटिंग करने के बाद आपने इसको उठाकर इसके ऊपर डालना है पैन के ऊपर, और आपने थोड़ा सा इसको सेट करना है। थोड़ा सा साइडों से खींच लेंगे ताकि ये पूरे एजेस तक आ जाए।
उसके बाद आपने पोनीटेल बनानी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने दोबारा से डो को गूंदा था और ये देखिए मैंने सेट कर ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसके ऊपर। ये देखिए मैं अंडे की जर्दी लगा रही हूँ इसके ऊपर ताकि बेक होने के बाद अच्छा कलर आए। अगर आप चाहें तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए अब इसको मैं बेक करने जा रही हूँ। इसको मैं बेक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। चलें जी, ये देखिए पिज़्ज़ा पाए जो है वो बेक हो चुका है और इसका कलर देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। पिज़्ज़ा तो हर घर में खाया जाता है पर पिज़्ज़ा पाए डिफरेंट है, इसलिए ज़रूर ट्राई किया करें डिफरेंट रेसिपी को। और ये देखिए मैं कट आपको करके दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी है। ये देखें मुंह में पानी आ गया इसको देखकर, मैं तो उसको खाने लगी हूँ। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अगली बार हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।